लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। पार्षद देश दीपक यादव के नेतृत्व में निकाला गया कैंडल मार्च। बता दें, नई बस्ती से गांधी पार्क चौराहे तक पहुंचे और मनीषा बहन को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा कि उस परिवार को मिले कुछ मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को मिले नौकरी। फिरोजाबाद नगर निगम वार्ड नंबर 40 के पार्षद देश दीपक यादव के नेतृत्व में बीती रात नई बस्ती से विवेकानंद चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान पार्षद देश दीपक यादव ने कहा कि जिस तरह से बहन मनीषा की बलात्कार के बाद रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उनकी मौत हो गई, वाकई काफी दुखद घटना है। उनके दुख में इस घड़ी में परिवार को कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। हालांकि भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन परिवार जिस तरह अभी डिस्टर्ब है, उसे न्याय मिलना चाहिए। हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह रेप राज को हटाया जाए और आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। सभी ने कैंडल मार्च निकालकर बहन मनीषा को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। सर, जिनका की बलात्कार करके कुछ दुर्दांत लोगों ने उनके गर्दन की हड्डी तोड़ी, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी, उनका जीव काट दिया, तो ये पूरा हैवानियत की शिकार की गई और कल उनकी मृत्यु हो गई। तो हम सभी लोग आज यहाँ नई बस्ती वार्ड नंबर 40 के सभी लोग यहाँ इकट्ठे होकर बहन मनीषा के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं सरकार से, और उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार को नौकरी दी जाए। क्योंकि भरपाई तो खैर नहीं हो सकती, लेकिन जिस तरह से उनका परिवार डिस्टर्ब हुआ, उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार करे और जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको फांसी दी जाए। इस मांग के तहत हम सभी यहाँ आज बाढ़ के सभी सम्मानित महिला और पुरुष इकट्ठे हैं। लगातार ये घटनाएं जिस तरीके से बढ़ रही है, क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, पूरे तरीके से बलात्कार राज लागू हो चुका है। बहन बेटियों का खुद फूलन बनना पड़ेगा, हथियार उठाने पड़ेंगे, तभी इनकी इज्जत बच पाएगी। सरकार अब बिल्कुल फेल हो चुकी है। हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि की बुरी तरीके से उसके साथ में रेप कर उसकी जीभ काट कर और रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसकी हत्या कर दी जाती है। चल रहा और हत्या के साथ साथ सबसे बड़ी दरिंदगी ये है योगी की सरकार में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो कृत किया है कि उसकी मृत्यु को उसके घर वालों को दिया ही नहीं है और उसको अवैध तरीके से, नाजायज तरीके से घर वालों को, रिश्तेदारों को किसी से न मिलने दिया है। रात को 2:30 बजे जला दिया गया है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का कानून कहाँ गया? ये प्रशासन कहाँ गया? योगी सरकार की गुंडाई चल रही है, हमेशा से यही होता आया है। दलित पिछड़ों को दबाया गया है।